राहुल गांधी जी हरियाणा आ रहे थे, अभी 3 दिन रहेंगे प्रथम चरण में, 21, 22, 23। भारत जोड़ो यानी कि बड़े बुजुर्ग को 6,000 पेंशन से, भारत जोड़ो हमने संकल्प लिया है कि भारत जोड़ो अर्थात हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली से। कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी द्वारा देश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा आज चलाई जा रही है, जो यात्रा 21 दिसंबर को राजस्थान से हरियाणा के मेवात जिले में एंट्री करेगी और 22 दिसंबर को गुरुग्राम के सोहना में पहुंचेगी। सोहना के अंबेडकर चौक पर एक सभा का आयोजन किया जाएगा और यात्रा का स्वागत किया जाएगा। जिस यात्रा की तैयारी के लिए सोहना पलवल मार्ग पर स्थित अग्रसेन भवन में कार्यकर्ता मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिस मीटिंग में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए एवं तैयारियों का जायजा लेने के लिए रोहतक से पूर्व सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान सिंह, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता सोहना पहुंचे। इस मौके पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी जोश है, यात्रा का अभूतपूर्व स्वागत हरियाणा के अंदर किया जाएगा। कहा कि 22 दिसंबर को यात्रा का रात्रि ठहराव सोहना में होगा, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। देखिए, कार्यकर्ताओं की मीटिंग का हमारा दौर जारी है। राहुल गांधी जी हरियाणा आ रहे थे, अभी 3 दिन रहेंगे प्रथम चरण में, 21, 22, 23 उसकी तैयारी कर रहे हैं हम लोग। और 21 को सुबह मुड़का बॉर्डर पे वो एंटर करेंगे 6 बजे। उसके बाद नू से होते हुए सोना पहुंचेंगे और सोना से फरीदाबाद होते हुए बदरपुर बॉर्डर के वाया बदरपुर बॉर्डर हरियाणा में वो एंटर, दिल्ली से हरियाणा से दिल्ली एंटर। ये उनका कार्यक्रम है प्रथम चरण का। तो मुझे विश्वास है कि हरियाणा के अंदर अभूतपूर्व स्वागत राहुल गांधी जी का किया जाएगा। हर कार्यकर्ता मीटिंग में जबरदस्त जोश। रात्रि ठहराव राहुल गांधी जी का 22 तारीख की रात को सोना में। इस मौके पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा के अंदर लोग बदलाव चाहते हैं, क्योंकि सरकार की नीतियों से लोग त्रस्त हैं। हरियाणा में सुरक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है, विकास की पटरी से हरियाणा उतर गया है। आज हरियाणा देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार में पहले नंबर पर पहुंच गया है, इसलिए लोग व्यापक तौर पर हरियाणा में बदलाव चाहते हैं। हरियाणा के अंदर लोग बदलाव चाहते हैं, सरकार से त्रस्त है। सरकार में हरियाणा की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, विकास की पटरी से हरियाणा उतर गया। आज हरियाणा बेरोजगारी में, भ्रष्टाचार में और महंगाई में देश में नंबर एक पे पहुंच गया है। लोग बदलाव व्यापक तौर से चाहते हैं और यही हमने इस भारत जोड़ो यात्रा के भी कई जैसे भी हमने कई आगे बढ़ के कई संकल्प लिए हैं कि हरियाणा के अंदर हम बदलाव लेके आए। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का मकसद गरीब, किसान, कर्मचारी और युवाओं का विकास करना है। कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपए देना, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देना, सोहना को मेट्रो से जोड़ना, मेवात को रेलवे लाइन से जोड़ना और गरीब परिवारों को 100-100 गज के बने हुए फ्लैट दिए जाएंगे। भारत जोड़ो यानी कि किसान को MSP गारंटी और सम्मान से जोड़ो, भारत जोड़ो यानी कि बेरोजगार नौजवान को अच्छे रोजगार, और जो 2 लाख रिक्त पद पड़े हैं सरकार के अंदर तो सरकारी व अन्य अच्छे रोजगार से जोड़ो, भारत जोड़ो यानी कि बड़े बुजुर्ग को 6,000 पेंशन से जोड़ो, भारत जोड़ो हमने संकल्प लिया है कि भारत जोड़ो अर्थात हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली से जोड़ो, भारत जोड़ो यानी कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ो, भारत जोड़ो यानी कि हर गांव शहर को उसी बस विकास की रफ्तार से जोड़ो जो कांग्रेस की सरकार में थी। और उसमें हमने ये भी संकल्प लिया है कि हम सोना जो है कांग्रेस पार्टी की यदि सरकार बनती है तो हम संकल्प ले रहे हैं कि सोना को भी मेट्रो से जोड़ने के लिए हम आगे, और हमारे मैनिफेस्टो में भी था सोना को हम मेट्रो से जोड़ने का काम करेंगे और जो है फिरोजपुर गिरका के रास्ते अलवर रेल की लाइन से जोड़ने का काम करेंगे और इनको लेके हम चल रहे हैं। लोगों का बड़ा अच्छा रुझान। एक और संकल्प है कि गरीब आदमी को 100 हर गरीब परिवार को 100 गज के प्लॉट और मकान 2 रूम सेट मकान से जोड़ो। कांग्रेस के पहले चरण की भारत जोड़ो यात्रा 3 दिन हरियाणा के मेवात और सोहना में रहेगी। इस दौरान कई स्थानों पर सभाएं भी आयोजित की जाएंगी। उसके बाद ये यात्रा 23 दिसंबर को फरीदाबाद के रास्ते बदरपुर बॉर्डर होते हुए दिल्ली में प्रवेश करेगी। लेकिन देखना इस बात का होगा कि हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा क्या कांग्रेस की आपसी गुटबाजी को खत्म करने का काम कर पाएगी या फिर कार्यकर्ताओं की आपसी फूट बदस्तूर जारी रहती है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।